हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक बाबू में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूँ हीरो का क्लच प्लेट। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जो ये हीरो का क्लच प्लेट वो स्पेशल स्प्लेंडर, पैशन प्रो, HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्रो, ये सब गाड़ी में यूज होता है फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स, जितना भी नया मॉडल अभी BS6 है उसमें आप पैशन प्रो ये सब में आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो ये गाड़ी का जिनमिन पार्ट्स आता है वो बहुत ही सस्ता आता है। अगर हीरो क्लच प्लेट की बात किया जाए तो 380 रुपये। अगर यही अगर आप दूसरे गाड़ी का यूज कीजिएगा, या दूसरे गाड़ी का जैसे बजाज का हो गया या और भी गाड़ी का, तो ये सब क्लच प्लेट आपको 600-700 जाना पड़ेगा। लेकिन भी फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे रहते कि सस्ता क्लच प्लेट होने के बाद भी वो और सस्ता क्लच प्लेट खोजते, जैसे कि 70-80 रुपये का, 90 रुपये का। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लच प्लेट को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग गलती कर देते हैं और इससे इंजन भी मार कर जाता है। इसलिए क्लच प्लेट को हमेशा ओरिजिनल और अच्छा क्लच प्लेट लगाइए, ताकि आपका इंजन का लाइफ बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लच प्लेट के पूरा डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्टिंग करते वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं मैकेनिक बाबू। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये हीरो का क्लच प्लेट है और ये जो है शोरूम का रहता है फ्रेंड। जैसा कि आप क्लच प्लेट में देख सकते हैं, ये शोरूम का ये मार्का है। और भी कंपनी आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये जो है परफेक्ट क्लच प्लेट है। अब फ्रेंड्स, जो इसका जो आप क्वालिटी देखिएगा, ये ऐसे समझ में आपको डब्बा से नहीं आएगा। इसलिए मैं क्लच प्लेट को आपको खोल के भी दिखाऊंगा। साथ ही फ्रेंड्स, जो क्वालिटी है वो किस टाइप का क्वालिटी है, अदर क्लच प्लेट में हमें वो क्वालिटी क्यों नहीं मिलती है, इस चीज को भी इस वीडियो में जिक्र होगा। साथ ही जो रेट है वो रेट अभी के डेट में नई के बराबर रेट है, अगर इस क्लच प्लेट की बात किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्लच प्लेट को लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बात किया जाए फ्रेंड्स MRP रेट की, तो जैसा कि देख सकते हैं 380 रुपए की MRP आपको देखने को मिलती है। और ये जो है वो शोरूम से आता है फ्रेंड्स, जो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि शोरूम वाला जो भी आता है वो इस टाइप का डब्बा रहता है फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी चीज का क्यों ना हो। अब फ्रेंड्स, ये जो है ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ एक स्कैनर दिया हुआ है वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान करता है, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। चलिए इस क्लच प्लेट को हम ओपन करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स जो ये क्लच प्लेट है आप देख सकते हैं, जो इसका क्वालिटी है वो काफी अच्छा और बिल्ट क्वालिटी का आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी दूसरे कंपनी का क्लच प्लेट मैं आपको दिखाता हूं, अभी फिलहाल ये देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, एक चीज और है कि क्लच प्लेट अगर खराब हो जाए तो रेसर प्लेट, साथ ही फ्रेंड्स उसका जो रेसर क्लच हब और क्लच सेंटर ये सभी आप चेक जरूर कीजिएगा, ताकि क्लच प्लेट जब खराब होता है तो वो सबको भी मार देता है, घिस जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो ये क्लच प्लेट है वो बार बार क्यों घिसता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लच हब और क्लच सेंटर है। तो अगर ये जो है ये प्लेन रहता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, और अगर ये घिस जाएगा फ्रेंड्स तो क्लच प्लेट बार बार आपका खराब होगा, जल्दी खराब होगा। साथ ही फ्रेंड्स, रेसर प्लेट जो आप देख सकते हैं, ये जो रेसर प्लेट आता है ये भी घिस जाता है, तो कभी कभी इसे घिस के भी लगाया जा सकता है, ये चल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये ज़्यादा अगर घिस जाए क्लच हब और क्लच सेंटर, तो आप जरूर चेंज कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपका क्लच प्लेट बार बार खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ एक चीज और मैं आप लोग कहूंगा कि आप मोबिल जरूर चेंज कीजिएगा। जब भी क्लच प्लेट चेंज करवाइए, मोबिल चेंज जरूर कराइए, क्योंकि इससे आपका माइलेज भी सुधर जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, क्लच प्लेट अगर खराब रहता है तो गाड़ी घिस घिस के चलता है, इंजन में बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, और ये ज़्यादा आपको पड़ता नहीं। ये जो क्लच प्लेट वो 380, दूसरा कंपनी का लगाइएगा तो 150 में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा का नहीं फ्रेंड्स। ये क्लच अगर ये सब क्लच प्लेट आप यूज कीजिएगा तो ये कम से कम 2 साल 2.5 साल जब तक क्लच प्लेट अच्छा से भी मतलब नहीं चलेगा तब तक आपको यूज में आते रहेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।